हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, गामक विकास क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो गामक विकास का अर्थ है, गामक विकास का अभिप्राय है बच्चों की हड्डियों, मांसपेशियों, घूमने फिरने और अपने आसपास के वातावरण में परिवर्तित करने के विकास से है। अन्य शब्दों में गामक विकास से तात्पर्य जन्म से मृत्यु तक विभिन्न गतियों के विकास में से है। एडोल्फ वेज और मैरिन के अनुसार गामक विकास का अर्थ है शिशुओं द्वारा अपने शारीरिक गतियों को नियंत्रित करने की क्षमता। यह शिशुओं के सहज रूप में हाथ हिलाने अथवा पैर मारने से प्रारंभ होकर चलने फिरने एवं जटिल खेलकूद कौशल का नियंत्रित अनुकूलन है। मतलब कि उन्हें ये समझ में आ जाता है वहाँ कैसे अपने बॉडी को आप कंट्रोल कर सकते हो, वो सारी चीज़ें किसमें आ जाती है, गामक विकास में। एक बिना कंट्रोल के बॉडी चलती है और एक कंट्रोल होने के बाद बॉडी आपकी मर्जी से चलने लग जाती है। अब आगे है, इसमें गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जो कि गामक विकास को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले आता है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता क्या होती है? जो आपके जीन्स होते हैं, जो आपके गुणसूत्र होते हैं, वो आपको अपने माता पिता से मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। अनुवांशिकता जीन शरीर की छोटी संरचनाएँ हैं जो बच्चों के विभिन्न प्रकार के विकास के लिए जिम्मेदार हैं। बच्चों को अपने माता पिता की अनुवांशिकी और उनके स्वयं के अनुवांशिकी दोनों प्रभावित करते हैं। सभी जीवित जीवों को कामकाजी क्षमता जीन पर, जो भी सभी जीवित जीव हैं उनकी जो कामकाजी है, उनकी जो कार्य है, उनके जो क्रियाएं हैं, वो सारी जीन्स पर आधारित हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा पोषण, न्यूट्रिशन। जो पोषण बच्चा अपने शरीर के शुरुआती वर्षों में हासिल करता है वह उसके आने वाले कई सालों को प्रभावित करता है। संतुलित पोषण बच्चों को विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों को विकसित होने तथा वृद्धि के लिए पोषक तत्व की बहुत आवश्यकता होती है। बच्चे स्वस्थ होते हैं तथा उसका विकास तभी होता है जब वे संतुलित व पौष्टिक भोजन ग्रहण करते हैं। नंबर 3 है नींद। बच्चों के शरीर विकास के लिए उचित नींद भी बहुत ज़रूरी है, आपको प्रॉपर रेस्ट भी करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो पर्यावरण। बच्चों के आसपास का वातावरण गामक कौशल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चे जो बाहरी गतिविधियों में भाग लेते हैं खुले स्थान में सीखने को अधिक संभावनाएं प्राप्त करते हैं। सामान्यतः उनमें यह भी पाया जाता है कि लड़के स्थूल गामक कौशल विकसित करते हैं और लड़कियाँ सूक्ष्म गामक कौशल विकसित करती हैं। यह उनकी परिपक्वता प्रक्रिया में अंतर के कारण है। दोनों में स्थूल और सूक्ष्म गामक कौशल विकसित करने के लिए अधिक अवसरों की उपलब्धता के साथ बच्चों की क्षमता बढ़ जाती है। तो पर्यावरण भी बहुत ज़रूरी है गामक विकास के लिए, आपके आसपास का वातावरण बहुत ज़रूरी है। अगर आपके आसपास का वातावरण बिल्कुल शुद्ध नहीं होगा या अच्छा नहीं होगा, दूषित होगा, तो आपको बुरे प्रभाव का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है टीकाकरण। बच्चों को उचित टीकाकरण उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। यह उनके शरीर को रोगों से रोकता है और उन्हें स्वस्थ रहने में मदद करता है। उचित समय पर टीकाकरण बच्चों में अच्छा संवेदनशील विकास भी करता है। तो जन्म के जो उपरांत जो टीकाकरण बच्चों को करवाने चाहिए, जो भी उसके लिए ज़रूरी है, ताकि उसको फ्यूचर में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है अवसर। बच्चों में स्थूल व सूक्ष्म गामक कौशल के विकास की अधिक संभावना है, जो खेल में भाग लेने के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे बच्चों में ये गुण विकसित होते हैं, स्फूर्ति, संतुलन, लचीलापन, शक्ति, गति, सहनशीलता और समन्वय। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो प्रशिक्षण और अभ्यास। अभ्यास किसी व्यक्ति को निपुण बनाता है। यह तथ्य बच्चों के गामक विकास से सही सिद्ध होता है। वे बच्चे जो अधिक अभ्यास करते हैं तथा अधिक प्रशिक्षण लेते हैं, उनका विकास शेष बच्चों के मुकाबले अधिक होता है। मतलब जितना आप अभ्यास करोगे उतना ही आपका गेम वगैरह, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी, इम्प्रूवमेंट हो जाएगी उसमें। नेक्स्ट है मनोरंजन रिक्रिएशन। बच्चों को खेल और मनोरंजन गतिविधियों के माध्यम से सीखना पसंद है। गामक विकास में मनोरंजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब कि बच्चे जिस चीज़ से संतुष्ट होते हैं, जिस एक्टिविटी से संतुष्ट होते हैं, जिसमें उन्हें खुशी मिलती है, उन्हीं के द्वारा ही गामक विकास को आगे ले जाया जा सकता है बहुत ही जल्दी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मुद्रा संबंधी विकृतियाँ, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। मुद्रा संबंधी विकृतियाँ बच्चों के विकास को काफ़ी प्रभावित करती हैं। ये दोष बच्चे को
के गामक गत्यात्मक कौशल के विकास में रुकावट पैदा करते हैं। कुछ बीमारियों, दुर्घटना या जन्म के कारण फास्ट फूड का सेवन, अधिक टीवी देखने और नियमित भौतिक गतिविधियों में कमी आदि के कारण मुद्रा संबंधी विकृतियां हो सकती हैं। तो ये क्या थी? मुद्रा संबंधी विकृतियां। मोटापा। मोटापा एक बच्चे के लिए स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यह कई स्वास्थ्य समस्याएं जैसे मधुमेह, हृदय रोग, फुसफुसिया रोग, अनिद्रा, आत्मसम्मान की कमी और अवसाद आदि के कारण हो जाता है। एक मोटा बच्चा सूक्ष्म शारीरिक गतिविधियों करने में असमर्थ होता है और सुस्त हो जाता है। इस प्रकार बच्चे में गत्यात्मक विकास पर मोटापे का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। आगे संवेदन हानि। इसका अर्थ सुनने, देखने तथा बोलने की ग्रंथियों का सही काम न करना। यदि कोई बच्चा संवेदन हानि से पीड़ित है तो उसका गत्यात्मक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए एक बच्चा जो सुनने में असमर्थ है उसे निर्देश समझने में कठिनाई होगी और इस प्रकार उसका गत्यात्मक विकास भी धीमा हो जाएगा। तो ये क्या था? हमारा गामक विकास और गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारक।